अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जिन लोगों की फेसबुक आईडी डिसेबल हो चुकी है, तो आज की वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जिन लोगों की आईडी डिसेबल हो चुकी है। तो आज इस टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपने डिसेबल फेसबुक अकाउंट को कैसे ओपन किया जा सकता है। बहुत ही ईजी मैथड है। दो वर्किंग तरीक़ाकार आपको मैं बताऊँगा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में दो तरीके बताए थे, कुछ लोगों की आईडीज उस मेथड से ओपन हो चुकी थी, कुछ लोगों की नहीं हो चुकी। तो जिन लोगों की नई आईडी ओपन हुई, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, ख़ास तौर पे आप देख लेना। ये एक मैंने वीडियो अपलोड की थी 2 वीक पहले, तो इसमें मैंने दो मेथड बताए थे जो कि दोनों वर्किंग थे मेरे पास। तो मैं कुछ लोगों को प्रॉब्लम फेस आ रही थी, तो उन सभी दोस्तों के लिए आज की वीडियो है। तो ये एक वेरिफिकेशन की वीडियो थी, वेरीफाई अपनी आईडी को वेरीफाई करें, बहुत इजी मेथड है। ओके, और ये एक और मैंने वीडियो अपलोड की थी, ये लिंक था, कुछ लोगों के पास वर्किंग हो जाती थी, सॉरी हो गई थी आईडी, और कुछ लोगों की नहीं। तो जिन लोगों की होगी उन सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, जिन लोगों की नहीं हुई तो आज की वीडियो लास्ट तक देखते रहना। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दें बॉस, क्योंकि लाइक करने से किसी की ज़िंदगी बन सकती है। तो एक लाइक लाजमी कर दें, सब्सक्राइब करना है तो कर ले, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा और साथ में बेल आइकन भी आ जाएगा, आपने इसको भी ओपन कर लेना है, ठीक है, हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक अपनी आईडी दिखाना चाहता हूं जो कि डिसेबल है। तो यहां से मैं अपना कोई भी ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसा कि मैं यूसी ब्राउज़र को ही सिलेक्ट करूंगा। तो कुछ ही सेकंड में यूसी ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मैंने 2-3 लिंक यहाँ पर अप्लाई कर रहा था, तो सोचा आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर न्यू टैब मैं ओपन कर लेता हूँ। जो जो लिंक है वो आपको मैं नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप उठा सकते हैं। तो यहां पे मैं अपना टैब को ओपन कर लेता हूं, लॉगिन इन फेसबुक, ओके हो गया। तो यहां पे मैं अपना कोई भी ईमेल एड्रेस यहां पे ऐड कर लेता हूं, जो मेरी आईडी डिसेबल है मैं उसी का ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। तो मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ, सॉरी। जी ओके हो गया। अब सिंपल हम लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है ये वाला, तो डू नॉट सेव, ओके। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं यूअर अकाउंट हैज बीन डिसेबल, यहाँ पे हेल्प गो टू हेल्प कनेक्टर, डाउनलोड यूअर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट ट्रिक ये है फॉलो करना, ये फर्स्ट है, ओके हो गया। तो यहाँ पे गो टू हेल्प पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, यू दिस फॉर्म टू सबमिट एंड एप्लीकेशन, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर लेना है। जैसे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा, यूअर फुल नेम। तो यहाँ आपने अपना फुल आईडी का, जो आपकी आईडी का है वो आपने फुल नेम यहाँ पे एंटर कर देना है, और आपके पास उस आईडी का जो प्रूफ है CNIC कार्ड है उसकी आपने फ़ोटो ली होगी, तो आपने वहाँ यहाँ पे चूज़ फाइल कर देनी है, यानी कि अपलोड कर देनी है वो फ़ोटो। तो मैं फटाफट अपनी आईडी का नाम लिख लेता हूँ, जैसा कि कामरान अली, ओके हो गया, मेरी आईडी का नाम था। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपना प्रूफ ऐड कर लेता हूँ वीडियो को स्किप करके। जी दोस्तों, मैंने अपना प्रूफ यहाँ पे ऐड कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपने सिंपल यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक कर देना है नीचे, तो मैं सेंड कर देता हूँ इसको भी, ये ऊपर अपलोड हो रहा है प्रूफ, ये फटाफट अपलोड हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तो ओके हो गया। यहाँ पे देखा जा सकता है साफ साफ से फेसबुक ने लिखा है थैंक्स फॉर कनेक्शन फेसबुक, ओके हो गया। तो फर्स्ट मेथड ये था, अब चलते हैं सेकंड मेथड। जो ये लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन का जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बार बार कहता हूँ। जो ये वीडियो का टाइटल शो हो रहा है इसके ऊपर आपने एक बार टच करना है, जैसे ही आप टच करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगी।
तो जैसे आप इस पेज को ओपन करेंगे, इस लिंक को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपको तीन चार ऑप्शन मिल जाएंगे। ये 100% गारंटी के साथ है, जब मेरी आईडी ओपन हो जाएगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो मेल के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा तब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये बिल्कुल वर्किंग है। ओके हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम वही अपना, अपने आईडी का नाम लिख लेना है जो आपके आईडी का नाम है। तो यहाँ पे उसका फुल नेम हो गया, यूज़र नेम हो गया। यहाँ पे नीचे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने वही डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो कि आपके आईडी की ऊपर है। ओके हो गया। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहले चेक कर लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1994। तो यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ 1994 11 अक्टूबर, अक्टूबर कहाँ गया, ये डेट थी 11। ओके डन हो गया। तो नीचे आके आपने चूज़ फाइल का, यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपने वहाँ ये वाला आपने अपना प्रूफ यहाँ पे ऐड कर लेना है। जी दोस्तों, मैंने अपना प्रूफ ऐड कर लिया, यहाँ पे आप साफ साफ वाजे में देख सकते हैं। तो अब आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पे आपको पूछेंगे कि इसके मुतलक आपको क्या रीज़न है जिसकी बिना पे आपने अप्लाई करना है। अपनी तरफ से कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि आपका अकाउंट किस तरीके से, आपके पास रियल अकाउंट है या कुछ भी है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिख कर मैंने सेव किया हुआ है, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे कंट्रोल पैड को ओपन करके यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वहाँ से उठा लेना है। अप्लाई लिंक देख सकते हैं नीचे मैंने लिखा हुआ था, तो यहाँ पे वहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आने के बाद आपने पेस्ट कर देना है। सिंपल लिखा गया है, हेलो डियर सर, योर सिक्योरिटी सिस्टम हैज बीन डिसेबल माय रियल फेसबुक अकाउंट, नाउ आई एम सेंडिंग माय रियल इन्फॉर्मेशन, प्लीज सर रिव्यू इट एंड री ओपन माई अकाउंट, थैंक्स फेसबुक टीम, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ इस तरह से अपनी तरफ से लिख लेना है। लिखने के बाद आप लोगों ने सिंपल सेंड के बटन पर क्लिक कर देना, सेंड कर देना। तो मैं सेंड कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रूफ अपलोड होने में, यानी कि प्रूफ सेंडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वेट कर लेते हैं। ये ऊपर MBs आप देख सकते हैं यहाँ चल रही है, तो ये सेंडिंग हो रहा है। तो इस मेथड से 100% गारंटी मैं देता हूँ कि आपकी आईडी जो डिसेबल हुई है वो ओपन हो जाएगी। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा प्रूफ सेंड होने में। तो आप मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है मेल के ऊपर, जो मैंने पहले प्रूफ सबमिट किया था, ये देख सकते हैं। ये भी यहाँ से भी मैंने सबमिट कर दिया, दो बार सबमिट अप्लाई कर दिया किसी एक मेथड से, तो आईडी ओपन हो ही जाएगी, इससे नहीं या उससे हो जाएगी। तो 100% गारंटी के साथ होगी। अब आपको मैं ले चलता हूँ जो मुझे नोटिफिकेशन आया था, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार, सॉरी ये क्या ओपन हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, मुझे एक नोटिफिकेशन वसूल हुआ है मेल की तरफ से, सॉरी अपनी आईडी ही जो मैंने प्रूफ अप्लाई किया था उसकी तरफ से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि आपने जो प्रूफ अप्लाई किया था वो रिव्यू में जा चुका है, रिव्यू होने के बाद आपकी आईडी 2-3 घंटे के अंदर अंदर ओपन हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें।